पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है आपको पी एक्स इजकल टू और डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। देखो बाई रिमाइंडर थ्योरम आप लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखें फटाफट से, बाई रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से क्या होगा, देखो एक्स प्लस वन इक्वल टू वन लेंगे, वो जीरो लेंगे, एक्स प्लस वन इजकल टू वन को उधर ट्रांसफर करो तो एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा माइनस वन, ये हो जाएगा। तो इसको पुट कर देंगे, पुट एक्स इजकल टू माइनस वन इन पी एक्स, पी एक्स ये है अपने पूरा, ठीक है, इसमें पुट कर देंगे तो पी माइनस वन इजकल टू, यहाँ पे एक्स लिखा वहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस वन, माइनस वन की पावर थ्री, माइनस वन का स्क्वायर, यहाँ माइनस वन प्लस वन। तो आप देखिए माइनस वन की पावर थ्री में देखो माइनस माइनस प्लस और फिर से माइनस, तो फिर माइनस ही आ जाएगा और वन बन जा वन, बन जा वन, वन ही रहेगा, ठीक है। पावर थ्री है, ऑड पावर है तो साइन वही रहता है, माइनस का ही रहेगा है। अब प्लस थ्री, अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ध्यान रखना मैंने अलग से पहले बताया था। देखो माइनस वन का स्क्वायर इजकल टू क्या होता है माइनस वन इंटू माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस वन बन जा वन, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये क्या हो जाएगा प्लस के वन, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस थ्री बन जा थ्री प्लस वन। अब इसको सॉल्व करो और माइनस वन थ्री बन जा थ्री, और फिर ये माइनस थ्री प्लस वन, प्लस वन माइनस वन प्लस थ्री माइनस थ्री कट गया, जीरो आ गया, ठीक है। तो अपन को क्या बोला फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, बस यही आंसर है। रिमाइंडर इजकल टू जीरो आंसर, ठीक है ना, नोट कर लें इसको।